और अपने फ्रेंड्स के साथ कितनी होली आप होली खेल पाते हैं? देखिए, हम कितना भी बिजी रहें, लेकिन जैसे अगर अच्छी फ्रेंड सर्कल है हमारी, और हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री भी एक अच्छी फ्रेंड सर्कल फैमिली है पूरी, तो हम वक्त तो निकाल ही लेते हैं अपने दोस्तों के लिए और अपनी फैमिली के लिए। तो जिस तरह से कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह से पीएम मोदी जी ने भी कहा है कि अपने आप बचाव के लिए लोग उससे दूर रहें, ज़्यादा करीना है, जरूरत हो तो ही बाहर निकले, लेकिन आज ये रूप देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बात तो सही, पीएम जी ने ये न्यूज में बोला है, बट क्या करेंगे, होली एक अच्छा त्यौहार है, साल में एक बार आता है और सारे लोग अपने ही हैं, यहाँ दिल खोले खोलेंगे और बचाव भी रखेंगे कि उनको भी बचे हम भी बचे। तो होली में कौन सा गाना है जिस पर आप लोग अगर होली खेल रहे हैं तो वही गाना आप चाहेंगे कि हाँ वही गाना प्ले हो? कई सारे फेवरेट गाने हैं हमारे, लेकिन अभी ताज़ा ताज़ा एक गाना हिट हुआ है, कमरिया हिला रही है, पावर स्टार पवन सिंह जी का, बहुत हिट हुआ, बहुत अच्छा कमाल का, उसका वीडियो मेकिंग इतना प्यारा है कि मतलब बार बार देखने का मन करता है। और एक वो खेसारी जी का गाना है तोहर मौसी हो जिंदाबाद, जो मैक्सिमम मिलियन व्यूज क्रॉस किया है, तो वो भी तो इस बार तो होली में वही सारे गाने धमाल करेंगे। होली में तो ही मेरा मार्च में है पुलिस गिरी, बाकी अमित भैया का आ रहा है अपना, आज ही आ रहा है उनका टीवी पे आ रहा है, बाकी अपना कौन सा होली पे है? होली पे मेरी तीन रिलीज है, मेहंदी लगा कर रखना 3 जिसमें खेसारी जी के फादर का रोल किया हूँ, और पवन पुत्र जिसमें मेन विलेन हूँ पवन सिंह जी हैं, और एक फिल्म है हीरिए, कुणाल नया ही नया एक्टर है, टैलेंटेड है, तो उसमें मेन विलेन हूँ। होली पे 3 रिलीज है मेरी। नमस्कार, मैं हूँ राजू सिमाही और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम, मैं आप सबका प्यारा भाई अमित शुक्ला, और आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं, और इस होली पे मेरी 3 फिल्में रिलीज हो रही हैं, आप सब उसे देखें और बहुत सारा प्यार दें, मेहंदी लगा कर रखना 3, पवन पुत्र और हीरिए। थैंक यू। आज रितेश जी द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह है, भोजपुरी मिलन होली समारोह जो यहाँ पे हो रहा है, दूसरी बार रितेश जी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और उनकी जो सोच है कि हमारे सारे भोजपुरी टेक्नीशियन जितने भी लोग हैं, सारे स्टार हैं, सब एक साथ जुड़ने का मौका मिलता है, रूबरू होते हैं एक दूसरे से, वैसे तो टाइम मिल नहीं पाता है, सब शूटिंग रहते हैं, तो बहुत अच्छी सोच है उनकी। प्रेम जी के लिए साल 2019 और 2020 में क्या फ़र्क रहेगा? प्रेम जी के लिए 2019 से 2020 में बहुत फ़र्क रहेगा। क्या रहेगा, दर्शकों को कुछ बताएंगे? दर्शकों से ही बताना चाहेंगे कि इस समय जो हमारी 2020 में बहुत अच्छी अच्छी मूवी आ रही है, बहुत कमाल की फिल्म आ रही है, जैसे डोली आ रही है, सरफरोश, बहुत सारी फिल्में हैं जो एक नया किरदार के साथ में आ रही है, और कुछ अलग होगा। और मैं सभी दर्शकों से, जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, जो भी भाई बहन हैं, सभी को मैं होली की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, और सेफ होली, अच्छी होली खेले और सुखी होली खेले। नमस्कार, आने वाले सबको मैं होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और आप लोग सुखी होली खेले, अच्छी होली खेले और सेफ होली खेले। नमस्कार मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। हाँ जी दोस्तों, मैं पम्मी मोटन हूँ और भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं पहली बार ये होली मना रही हूँ। मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में इतने ज़्यादा लोगों को नहीं जानती हूँ, मेरे फैमिली दोस्त हैं अमित शुक्ला जी, तो वो भोजपुरी में विलन का रोल कर रहे हैं, तो आज उन्हीं की वजह से हम इस होली पे आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको होली की मुबारकबाद देना चाहूँगी, मैं चाहूँगी आप सेफ होली खेलें, कलरफुल होली खेलें, लेकिन सेफली खेलें, किसी को हानि ना पहुँचाएँ, और भोल लगा रहे हैं। आज हम भोजपुरी में कमरिया हिलाने वाले गाने पर ठुमका लगाने आए हैं। थैंक यू।
राज्य में ला ला हवा कैमरा बचाना भाई पानी की चापा चापा थोड़ा देर बाद ना ले सकेला थोड़ा टाइम ना मिला अभी टाइम है बा समारोह क्या खास है इस बार सारा रा 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 होली है होली है खास यही बात है कि पिछले बार से ज़्यादा हर्षों और उल्लास के साथ हम लोग ये होली मिलन समारोह कर रहे हैं और पिछले बार से ज़्यादा सभी लोगों का सपोर्ट है हैप्पी होली और बहुत खुशी के साथ हम लोग ये होली मिलन समारोह मना रहे हैं। कौन कौन से गेस्ट आए हुए हैं इस बार होली में? बहुत सारे जो भी गेस्ट हमारे मुंबई में अवेलेबल थे हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री से रिलेटिव सभी लोग आए। आजकल कोरोना वायरस का चक्कर चल रहा है क्या इस बारे में आपका क्या कहना है? कोरोना वायरस के लिए यही कहना चाहेंगे कि हम भारतवासी का इतिहास रहा है कि किसी भी विपत्ति से किसी भी आपत्ति से एक मजबूती के साथ लड़े हैं और जीते भी हैं वैसे ही इस कोरोना वायरस को भी हम लोग अवश्य हराएंगे। आपका ये गाना बहुत ज्यादा हिट हो रहा है आपको देख के अभी मेरे जबान पे नहीं आ रहा है बरसों को गुनगुनाएंगे सर अभी आपको गोदित तोर चुनरी बझल कहुआ जन्म रे लहंगाई लखन हुआ। और देशवासियों को कुछ होली की बधाई देना चाहेंगे? देशवासियों को हृदय से बहुत बहुत बधाई हमारे इस होली का हमारे इस सनातन वर्ष के सनातन धर्म के पहले दिन का आप सभी को बहुत बहुत मुबारक बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर एक फोटो फोटो आज ही 11 तक दुकान खुली रहती है जितने भी दर्शक हैं सबको हैप्पी होली। तो सर आपके लिए क्या इस बार क्या होली खास क्या है? होली खास है हमेशा क्योंकि देखिए होली एक साल में एक ऐसा त्यौहार है जो खुशियों का त्यौहार है। खुशियां मतलब रंगों से भी हम एक रंग का अगर एक हम अपॉर्चुनिटी माने तो वो एक खुशी है तो ये खुशी का त्यौहार है और जिन लोगों से हम साल भर नहीं मिल पाते हैं किसी कारणवश चाहे वो शूटिंग हो या काम हो उन सब से मैं एक फैमिली फंक्शन हुआ था तो हमको लगता है कि होली सारे त्योहारों में बहुत अच्छा त्यौहार है कि सबको एकजुट करता है। अभी 2020 में कोई आने वाले प्रोजेक्ट आपके? 2020 में मेरे अभी फिलहाल जो नेक्स्ट मंथ रिलीज़ हो रहा है वो सास नंद बहुजाई मेरी रिलीज़ हो रही है जिसके निर्माता वर्ल्ड वाइड चैनल के मालिक रत्नाकर कुमार हैं। फिर मई जून में ही मेरी दूसरी फिल्म आ जाएगी नकली नवाब और बस आप लोग का आशीर्वाद है और कारवां चल रहा है। अभी आपने एक फिल्म का मुहूर्त किया था कुछ 15-20 दिन वो कब तक शूट चालू हो रहा है? सर देखिए फिल्मों का मुहूर्त होता है काम को संपन्न करने के लिए शुरुआत करने के लिए तो अभी स्टार्ट है रिकॉर्डिंग चल रही है मैं भी है कि अप्रैल में हम लोग उसको शूट करेंगे। थैंक यू नमस्कार अस्सलाम वालेकुम मैं हूँ निसार खान और भोजपुरी के सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे है तेरी माँ की तेरे उनके लिए। हाँ नमस्कार अस्सलाम वालेकुम मैं हूँ निसार खान और भोजपुरी के सारे दर्शकों को बहुत बहुत ढेर सारी हैप्पी होली। सबसे पहले तो सबको जितने भी भोजपुरी के दर्शक हैं और सुनने वाले जो चाहने वाले उनको सबसे पहले होली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और बहुत अच्छा लग रहा है कि एक ऐसा आयोजन भोजपुरी इंडस्ट्री कर रही है जहां पे सारे लोग आते हैं और मिल के एक दूसरे के साथ होली खेलते हैं तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि धीरे धीरे हमारी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर जा रही है अच्छे ट्रैक पर हम लोग जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे तो बहुत खुशी हुई यहाँ आके और बहुत अच्छा लगा सबके साथ होली मिलन में आके। आपके क्या प्लानिंग है होली पे? मैं मेरा अपना अभी जो मैंने फिल्म किया है शुभ घड़ी आयो उसका फर्स्ट लुक रिलीज करूंगा मीडिया वालों के सामने में और बाकी आप लोगों का सहयोग आप लोग उसको कितना भोजपुरी ऑडियंस तक और भोजपुरी के लोगों तक पहुंचा सकते हैं। शुभ घड़ी आयो टाइटल है बहुत अच्छा है। आप लोग जो भोजपुरी इंडस्ट्री में बोलना चाहते हैं कि मैंने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो भोजपुरी के लिए वाकई में बहुत अच्छी है तो आप मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो फिल्म जब आप लोग उसकी तारीफ करेंगे बिना देखे बिना तो जब देखने के बाद आप बोल सकते हो गर्व से कि हाँ मैंने जिस फिल्म को प्रमोट किया था वो वाकई में प्रमोट कराया था। थैंक यू सर।
थैंक यू सो मच। होली मिलन समारोह जो आयोजित किया गया है, अंदर कितना धमाल और कितनी मस्ती करने का क्या? सीरियसली मुझे लग रहा है कि होली शुरू हो गई, इतना मजा आ रहा है। जैसे ही मैं इस कैंपस के अंदर आई तो जो माहौल मुझे देखने को मिला, इतने बढ़िया बढ़िया रितेश पांडे जी के गाने चल रहे थे, एंड देन होली का माहौल, सब लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया। तो होली हालांकि अभी आने में टाइम है, एक दो दिन बाद है, 10 तारीख को है, लेकिन ऐसा लग रहा है होली आज ही है। तो मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहूँगी रितेश पांडे जी को, जो इतना अच्छा उन्होंने सोचा कि भोजपुरी मिलन होली मिलन समारोह ऑर्गेनाइज किया। तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत इंजॉय कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है। गुंजन जी के गाल पे एक जगह जहाँ पे पिंक कलर का गुलाल नजर आ रहा है और एक गाल पे रेड कलर का, तो ये किसने लगाया? मुझे नहीं पता, यहाँ पे सब मिक्स हो गए। एक जगह रितेश जी ने लगाया है, एक जगह किसी और ने लगाया है, थोड़ा अंजना जी ने लगाया है, थोड़ा रानी जी, सब मिक्स हो गया है। मुझे पता ही नहीं चल रहा है किस किस ने आकर मेरे गालों में गुलाल लगा दिया है। तो होली कितना इंजॉय करती हैं आप, कितना खेलना पसंद, आपकी भी कोई खास तैयारी होती है? मुझे बहुत अच्छा लगता है ये त्यौहार, बहुत अच्छा लगता है। और जब भी ये त्यौहार आता है तो मन में एक अजीब सी एक खुशी बहुत दिनों पहले से आ जाती है, बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों ने तो फिल्मों में बहुत सारी होली खेली है, मैंने बहुत सारे गाने करे, और ये होली तो भली आज शुरू हुई है, लेकिन एक फिल्म कर रही थी उसमें अभी मैं 15 दिन पहले जम के रंग खेल चुकी हूँ, पूरा होली का गाना था। फिर उसके बाद बिग गंगा का मैं एक शो कर रही थी, उसमें भी खूब होली खेली। तो होली हम लोग हमेशा खेलते रहते हैं, हालांकि मैं फिल्मी होली ज़्यादा खेलती हूँ। जब अब बात आती है रियल लाइफ की, तो मैं उस दिन मोस्टली घर के अंदर या तो छुप जाती हूँ, या फिर कान्हा जी का एक मंदिर है जुहू में, तो वहाँ जाती हूँ और वहाँ एक पूरा भक्तिमय माहौल होता है, तो वो होली मैं काफ़ी पसंद करती हूँ। कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह से पीएम मोदी ने कहा है और काफ़ी लोगों को अवेयरनेस अवेयर किया जा रहा है, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या लग रहा है इसका होली पे कितना असर पड़ेगा? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, बहुत ही सीरियस ये बीमारी जो है वो इंडिया तक आ चुकी है, बहुत ही गंभीर मैटर है ये, और मुझे लगता है लोगों को प्रिकॉशंस लेने की बहुत ज़रूरत है। ख़ासतौर पर जब भी मैं लोगों से यही सबसे बोलूँगी कि संभल के होली भी खेलें, क्योंकि ये बहुत ही कंटेजियस होता है। अगर आप छींक रहे हैं तो आप प्लीज़ अपने हैंड वॉश करें, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कोरोना वायरस डिजीज़ से बचने के लिए कि आप हाइजीनिक रहें, अपने हाथ को बार बार वॉश करें या कोई कपड़ा लगा लें, एंड बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं मुझे लगता है लोगों को लेना चाहिए। और इनफैक्ट मैंने भी अभी 2 दिन पहले मैं कहीं पर थी और मेरे जस्ट सामने ही कोई लेडी थी, उन्होंने जैसे ही स्नीज़ किया तो मैंने बोला प्लीज़ यूज़ नैपकिन एटलीस्ट, बिकॉज बहुत ही ये कंटेजियस है एंड सभी को ज़रूरत है इससे बचने के लिए। थैंक यू। भोजपुरी के जितने भी दर्शक हैं, हमारे जितने भी कलाकार हैं, और इस देश के सभी लोगों को होली की शुभकामना और मेरा प्रणाम। मेरा नाम उदय श्रीवास्तव है और भोजपुरी फिल्मों का एक जाना पहचाना चेहरा हूँ मैं। वैसे शिव महापुराण जो गुलशन कुमार जी बनाए थे उसका नंदी भी मैं ही हूँ। मैं लगभग 35 से 37 वर्षों से मुंबई के भोजपुरी इंडस्ट्री में हूँ, और इन 30-35 वर्षों में पिछले साल रितेश पांडे जी ने इस होली मिलन समारोह का शुरुआत किया। हम लोग अच्छे मित्र हैं रितेश पांडे जी और मैं, हम लोग मद्रास में जब शूटिंग कर रहे थे सुबह राव साहब की फिल्म का, तो काफ़ी अच्छा लगता था, एक दूसरे से मिलते थे। तो उन्होंने भोजपुरी में एक बहुत बड़ा, भोजपुरी के दर्शकों पे, भोजपुरी के कलाकार पे इन्होंने उपकार किया है मुंबई के अंदर, क्योंकि यहाँ सब एक दूसरे से अलग बिखरे पड़े हुए हैं। एक मौका, एक दिन ऐसा हो जो सारे कलाकार, सारे टेक्नीशियन, सारे लोग एक जगह इकट्ठा हों, और वो सपना उनका जो था वो आज पूरा हो रहा है। तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि आज हम भोजपुरी के जितने लोग हैं, जितने खास करके कलाकार हैं, लगता है कि हम सब एक हैं और बड़े हिम्मत से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी सफलता को पा रहे हैं। आज ये शुभ अवसर पर मैं हूँ, और वर्षों से मैं इंडस्ट्री में हूँ, आज मैं जब देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार दिल से इन जिन्होंने इसका आयोजन किया है, रितेश भाई के साथ उनके बड़े भाई राजू भाई से लेकर के जितने लोग भी लगे हुए हैं, उन सबको दिल से धन्यवाद देता हूं और आपको नमन करता हूं। आप
अपने नाम के साथ दर्शकों को होली की शुभकामनाएं दीजिए। अजी, मेरा नाम है अथर्व सिंह और आप सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। और हमारा नाम शिवम बा और रौरा सबके ढेर सारा होली के शुभकामना और ढेर सारा प्यार जो हमी सन के देनी रौरा ससुरा बरा पैसा वाला पार्ट टू के, और आशा करें कि आगे जितना भी प्रोजेक्ट करें सन ओकरा प्यार दें और गुलाल उड़ाई और लोग गीत गाई रौरा लोग घर के अपुआ खाई, इनमें जो मजा बाटे कोई चीज़ में मजा नहीं के। अच्छा जी, जिस तरह से भोजपुरी होली मिलन समारोह का आयोजन यहाँ पर किया गया है, तो आप कलर, सब लोग कलर में डूबे नजर आ रहे हैं, लेकिन आप कलर से उतरे नजर आ रहे हैं। एक्चुअली मेरी स्किन ना थोड़ा सा सेंसिटिव है और मुझे कलर लगा हुआ था, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं रुमाल से हल्का हल्का इसको करके साफ कर दिया है, तो मुझे कलर बहुत पसंद है। मैं होली बहुत दिल के साथ खेलता हूँ, दिल से खेलता हूँ होली जी। और यहाँ पर जो आयोजन किया गया है ये कितना बेहतरीन लगा, क्या लग रहा है? हमारा तो बहुत मजा आई, हम नाच के इनी और भैया के गाना पर इतना मजा आए, और हम यही आशा करें कि रोलो भी होली मनाएं तो बहुत प्यार से होली मनाएं, क्योंकि परेशान ना करें और कागज रोलोगी भर रही आशीर्वाद बनाए रखी और आशीर्वाद दी। और ये और बच बचा के होली के लिए थैंक यू सो मच। होली कितना खेल कर मजा है अंदर, और जिस तरह से गाने भी वहाँ पर बैक टू बैक गाने नितेश जी के वहाँ पे प्ले हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सब अंदर बहुत एंजॉय कर रहे हैं और सब उनके हिट नंबर्स पे डांस भी कर रहे हैं, और एक तरीके से उनकी सक्सेस पार्टी और होली मिलन समारोह दोनों ही हो रहा है, सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आप कितना होली को खेलना पसंद करती हैं और कितना वक्त दे पाते हैं कि आप परिवार के साथ हर त्यौहार को सेलिब्रेट कर सकें? मैं मेरे कोई भी फेस्टिवल, दिवाली हो या होली, मैं मेरी फैमिली के साथ ही मनाती हूँ, बस कोई मजबूरी ज़्यादा शूटिंग की नहीं हो तो, अदरवाइज़ मैं मेरा कोई भी फेस्टिवल प्रेफर करती हूँ मैं मेरी फैमिली के साथ ही रहूँ। तो कलर वाली होली ज़्यादा पसंद करती हैं या फिर गुलालों से सिंपल होली? मुझे अबीर और गुलाल की होली ज़्यादा पसंद है। और कोरोना वायरस से जिस तरह से लोगों से बचने की एक अपील की है पीएम मोदी ने, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से? मैं मेरे दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपील भारतवासियों से की है वो उनकी बात को माने और वो देश हित में रहेगा, आप सबके हित में रहेगा। प्लीज़ इस साल की होली सेफली खेलें, कम खेलें, ज़्यादा ग्रुप में नहीं रहें, लोगों से दूर रहें, और जितना भी हो सके अपने आप को हाइजीन कर रखें, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें, मास्क यूज़ करें, ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको खुद को कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू। हाय, इट्स मी अंजना सिंह, आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएँ, हैप्पी होली टू ऑल, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूँ रानी चटर्जी, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके एक गुलाल पे एक गाल पे पीला रंग है और एक पे लाल रंग है, किसने किसने आपको रंग लगाया? मुझे सिर्फ रितेश जी ने रंग लगाया है। क्या होली पर क्या खास बात है रामचंद्र जी? होली पे मेरा खास ये होगा कि मैं इस वक्त जाऊंगी गोवा घूमने के लिए, वहाँ पर ही मनाऊंगी होली। रानी चटर्जी कितना होली खेलती है? मैं होली बहुत ज़्यादा नहीं खेलती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पानी वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है होली में, तो गुलाल के साथ थोड़ा बहुत अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, तो बस वो गुलाल ऐसे गाल पे लगा के बस इसी तरह मेरी होली जाती है। कोरोना वायरस इंडिया में फैल चुका है, मोदी जी ने भी अपील की, इस बारे में आपके क्या? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी सभी से, मैंने कहा भी है कि प्लीज़ सावधानी बरतें और जब भी बाहर निकलें मास्क लगा के निकलें, बच्चों को खिलौने से दूर रखें, जो नए खिलौने हैं प्लीज़ उन्हें अभी खरीद के मत दें, मैं इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू। होली के सब के ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा, नाम से ना? मैं लालजी यादव। अच्छा, मैं फिल्म लेखक लालजी यादव, और होली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और आए हम लोग आज होली सम्मेलन में, हमारे भोजपुरी के तमाम लोग, हमारे परिवार के लोग आए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत मज़ा ले रहे हैं। आप लोग भी होली खेलिएगा, मज़ा लीजिएगा और रंग लगा कर लोगों को परेशान नहीं कीजिएगा, प्यार दीजिएगा और एकता बना कर रखिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते, मैं हूँ सोनू खत्री। नमस्ते, मैं हूँ सोनू खत्री। जो हमारा होली का फेस्टिवल है अभी बहुत नज़दीक आ रहा है, और आज हम लोग होली सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हमारे जितने भी भोजपुरी समाज के लोग हैं आज हम लोग होली सेलिब्रेशन करने आए हैं, तो आप लोग अच्छे से होली मनाइए, विदेशी रंग यूज़ मत कीजिए, स्वदेशी रंग यूज़ कीजिए और अच्छे से होली मनाइए, आप खुश रहिए और दूसरे को भी खुश रहने दीजिए। थैंक यू वेरी मच।
और काफी लेट। हाँ, सबसे पहले तो मेरे सभी भोजपुरी दर्शकों को पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा का नमस्कार और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, और रितेश जी को, रितेश पांडे जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, खास करके क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में सभी लोग अपनी जगह पर व्यस्त हैं, काम कर रहे हैं, और रितेश जी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं होली समारोह आयोजित करके। हम सब लोग इसी बहाने एक दूसरे से इकट्ठा होते हैं, हम जनरली पूरी इंडस्ट्री इकट्ठा होती है अवार्ड फंक्शन में, लेकिन रितेश जी ने, ये मेरे ख्याल से शायद से दूसरा साल है रितेश जी का होली समारोह का, और रितेश जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी होली। अच्छा, अभी कोरोना वायरस के लक्षण इंडिया में फैल गए हैं सर, मोदी जी भी काफ़ी अब कुछ लोग तो ऐसा कहना है कोरोना वायरस को गोली मारते हैं सोशल, इस बारे में आपका क्या कहना है, क्या सुझाव देंगे सर? अब कोरोना वायरस के बारे में इतना ही है कि डॉक्टरों द्वारा, मेडिकल के संशोधन द्वारा, सर्वे द्वारा जो भी हम लोगों को सावधानी बरतनी है उसको बरतनी पड़ेगी, और कोरोना वायरस के बारे में और ज़्यादा नहीं बात कर पाऊँगा। थैंक यू सर। थैंक यू। और मैं जो भी अपना नाम पराग पटेल, और सभी देशवासियों को मैं पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा, मेरे सभी देशवासियों को, मेरे सारे हिंदुस्तानी भाइयों को, मेरे सारे भोजपुरिया दर्शक को पराग पाटिल की ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, नमस्कार। इस बारे में यही कहेंगे कि सबको होली की ढेर सारी शुभकामना, और चूंकि होली का रंग चढ़ चुका है, होली का वीक चढ़ चुका है, और मज़े लेना है, रंग खेलना है, सेफ होली खेलना है कि किसी को हर्ट ना हो, और ये चूँकि त्यौहार ऐसा है कि दुश्मन को भी गले लगाने वाला त्यौहार है, अगर किसी से मनमुटाव पूरे साल आपका रहा है तो ये मौका है, उसे बुलाइए प्यार से, गाल पर गुलाल लगाइए और गले लगिए, और अपने अपने जो मन की बातें हैं उसको सीधा एक शब्द में ख़त्म कर दीजिए। अभी कोरोना वायरस का लक्षण इंडिया में फैल गया, इस बारे में आपका क्या है? यही कि सरकार को बहुत बड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, और सरकार के साथ आम जनता को लेना पड़ेगा। जो हमारी परंपरा थी, देखिए धीरे धीरे वही लौट के आ गई। हिंदुस्तान जो था वो नमस्ते करता था हाथ जोड़ के, हाथ मिलाने वाली जो परंपरा थी ये विदेशी रही है, और इस विदेशी परंपरा को देखिए किस तरह से नेचर ने भी तोड़ने का कोशिश कर दिया है। आज बाहर के लोग भी, फॉरेनर्स भी, अब हाथ मिलाना नहीं बल्कि हाथ जोड़ के नमस्ते करना पसंद कर रहे हैं। जिस वेजिटेबल खाने के लिए हम लोग हमेशा लोगों को प्रोत्साहित करते थे, आज उसी वेजिटेबल के लिए लोग फिर से ये करना शुरू कर दिए, नॉन वेज को बंद कर दिए लोगों ने, कि लोग बार बार बोल रहे हैं कि ये वायरस जो है वो नॉन वेज से ज़्यादा फैलता है, और आप जो है हाथ ना मिलाएं, हाथ ना छुएं, तो विकल्प आपके पास एक ही रह गया कि आप वेजिटेबल खाएं और आप जो है अपने हाथ को ना मिला के हाथ को जोड़ के नमस्ते करें। तो ये देखिए अपने आप कुदरत ला के खड़ा करेंगे सर, एक हाथ जोड़ के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निर्माता, निर्देशक, गीतकार, संगीतकार राजकुमार पांडे, और मेरी तरफ से पूरे देशवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामना। ईश्वर करे ये रंग भरा त्यौहार आपकी ज़िंदगी में खुशियां और रंग लेकर आए, वो रंग जो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां और ढेर सारा उमंग भर दे, आपका परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और आप सदैव सुखी रहें। हर हर महादेव, हैप्पी होली। आज हम लोग मुंबई में मड आइलैंड के मिरिंडा हाउस में, रितेश पांडे जो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के चहेते कलाकार एक्टर हैं, पिछले साल से उन्होंने ये प्रयास किया है और बहुत आनंद आ रहा है, पूरी इंडस्ट्री यहाँ पर इकट्ठा है। हमारे साथ में हमारी इंडस्ट्री की चुलबुली स्टार। नमस्कार प्रणाम, मैं स्वीटी सिंह, आप लोग को होली की ढेर सारी शुभकामना और प्रणाम। हैप्पी होली, हैप्पी होली 2020 की। आप लोग ऐसे ही खिलते रहे, मुस्कुराते रहे, गाते रहे, हम लोग आप लोग को एंटरटेन देते रहेंगे, है कि नहीं? ये विलन में देते रहेंगे, मैं कॉमेडी में देते रहेंगे, और सही बात है, रितेश जी ने इतना अच्छा करते हैं हर साल की, मतलब सब लोग को एक साथ मिलने का मौका मिलता है। हम लोग होली खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, होली के चार पाँच दिन पहले, है ना? होली के 4-5 दिन पहले हम लोग मस्त मिलते हैं, एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, गाना बजाते हैं, डीजे करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, और खाना खाते हैं, पीते हैं, फिर घर जाते हैं। ऐसा लगता है हमने आज ही होली खेल लिया है, बहुत मजा आता है। और मैं तो ये चाहूँगा कि
ये ऐसे कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा आयोजित होने चाहिए मतलब हाँ। जिस तरह के से रितेश भाई ने ये पहल की है पिछले साल से तो और भी हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं और ये एक ऐसा त्यौहार मुझे लगता है कि इसमें कोई जाति पात या भेदभाव ऐसी कोई बात नहीं, नहीं होता। सारे लोग मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सारे इंडस्ट्री के लोग यहाँ पर इकट्ठा है हाँ। और एक दूसरे रंग लगा रहे हैं वो ये नहीं देख रहे हैं कि वो रमेश भाई है कि वो हैदर भाई है वो फरहान भाई है गणेश भाई है। होली के दिन दिल मिल जाते हैं रिश्ते मिल जाते हैं रिश्ते भी खिल जाते हैं और दुश्मन भी गले से गले मिल जाते हैं तो नो डाउट कोई दुश्मन यहाँ है नहीं। हेलो अरे जरूर जरूर गले तो हम ये क्या गले अच्छी बस हमारे ऑडियंस का प्यार हमें मिलता रहे आशीर्वाद मिलता रहे हमारी यही सबसे प्रार्थना है। फिर से समस्त भोजपुरी दर्शकों को जो हमारे इस मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं उन सबको एडवांस में 5 दिन पहले ही हैप्पी होली होली खेलिए जंग से ही हो जाएगा कुछ नहीं होगा। पिछले 40 साल 42 साल हम लोग खेलते आ रहे हैं कभी कुछ नहीं उल्टे हम लोग और ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं तो रंग खेलिए उपलब्ध हो तो पानी भी रंग में घोल के डालिए कोई दिक्कत नहीं है कोई समस्या नहीं है कोई हाइजीन कुछ नहीं होगा उल्टे आपका अगर चर्म रोग है ना उसे ठीक हो सकता है तो आप चिंता मत करिए जम के होली खेलिए हैप्पी होली हर हर महादेव। आई ये भी सब ये वादा रहा टीम मतलब दिल मिल के टीम ये वादा रहा आ जाओ इतना लंबा फ्रेम बनेगा नहीं सर आप 2 मिनट रुक जाइए मैं अलग से ले लूंगा फ्रेम बनेगा नहीं आपका ठीक है चलेगा चलेगा सर आप थोड़ा साथ में सॉरी आ जाओ समारोह है जी और आपके शेजर पे 50 प्रकार के रंग हैं क्या फिरू मैं किस किसने लगाया सबने लगाया रंग और होली में तो हर इंसान एक दूसरे को रंग लगाता है और रंग इतना खूबसूरत चीज है कि किसी के फेस पे भी लग जाए तो खिल जाता है तो ये खिल गई एकदम पूरी तरह से तो दर्शकों को सबसे पहले जय यादव का प्यार भरा नमस्कार और होली के शुभ अवसर पर हम आपको कहना चाहेंगे कि सेफ होली खेलें खुश रहें एक दूसरे से दिल मिलाएं। अभी आपकी कोई आने वाली हम कोई प्रोजेक्ट आप कुछ बात कर रहे थे इस बारे में क्या कहना है इस बारे में जी हमने हमारी एक फिल्म दिल मिल गए शूट हो चुकी है दिल मिल गए एंड अभी हम सॉन्ग करने वाले हैं तो अब कब तक रिलीज होगी अपनी फिल्म हाँ हाँ ये मई तक रिलीज होगी मई तक रिलीज नाम बताएं आपके अलावा और स्टार कास्ट और मैं हूँ जय जी है हीरा जी है अयाज जी है देव जी है काफ़ी मतलब श्रद्धा जी है मार्केट दर्शकों के बीच में कब तक रिलीज होगी सर ये फिल्म आ जाएगी मई लास्ट तक हमारी ये फिल्म रिलीज होने करने का प्लान है हम लोग का और बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी है एक पारिवारिक फिल्म जिसे हम देख सकते हैं कि कुछ डिफरेंट हमने इसमें करने की कोशिश की है ना आपके चेहरे में एक साइड पीला रंग और एक साइड लाल रंग क्या कहना है क्या है सबसे पहले तो जितने भी श्रोतागण हैं उनको मेरा बहुत बहुत प्रेम भरा नमस्कार और ये होली का रंग है जो कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी रंग को लेकर आता है खुशियों को लेकर आता है तो आप सभी को इस खुशियों का रंगों का त्यौहार बहुत बहुत शुभकामनाएं ऐसे नहीं चलेगा भोजपुरी दर्शक है भोजपुरी की इतनी बड़ी सिंगर और आप केवल बधाई दें ये शोभा नहीं देता अच्छा इस साल की जो सबकी आप सुपर हिट गाने इस साल मेरा एक गाना आ रहा है टी सीरीज से होली 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 का जी चाहे रंग लहंगा में डलिहाए चाहे रंग लहंगा में डलिहा चाहे डलिहा चोली में चाहे रंग लहंगा में डलिहा चाहे डलिहा चोली में देखब तो हर पिचकारी के पावर जिजा होली में देखब तो हर पिचकारी के पावर जिजा होली में ये गाना टी सीरीज से आया है एंड आई होप कि आप लोग पसंद करेंगे इस गाने को ज़्यादा से ज़्यादा सुने और शेयर करें मैं ममता रावत आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ हैप्पी होली सेफ होली। मेरा नाम निहारिका पवार है। मेरा नाम शरद वर्मा है। तो होली का एंजॉय कर रहे हैं बहुत ही मजा आया होली को देखते हुए और सब भोजपुरी के तमाम कलाकारों के साथ रंग में रंग मिला के खेलना बहुत ही मतलब खुशी की बात है यार और आप भी अच्छा लग रहा है तो अच्छा होली त्योहार इतना बड़ा है
भोजपुरी इंडस्ट्री के और आपको ये मेरी अच्छा पहली भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ होली है। घर पे तो आपने होली खेला होगा भाई के साथ, दोस्त यार के साथ? हाँ, वो तो खेला है। होली खेला इन्होंने, दिल में लिखा है। मैं पहली बार ये भोजपुरी इंडस्ट्री में आ रही हैं, इसके पहले इन्होंने काफ़ी सारे टीवी शोज़ किया हुआ है, तो इस इंडस्ट्री के साथ इनकी पहली मुलाकात है, बट काफ़ी इंजॉय कर रही हैं मुझे ऐसा लग रहा है ना। दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? यही क्या फिल्म के बारे में, अपने किरदार के बारे में कुछ बताएं? काफ़ी बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है, काफ़ी रोमांटिक स्टोरी है, एंड ये फैमिली के लिए, फैमिली को काफ़ी अच्छा लगेगा, एंड हम बहुत मेहनत किए हैं, तो वी होप कि सबको पसंद आए। नमस्कार, मैं कुणाल आदित्य, ठीक चलेगा? नमस्कार, मैं कुणाल आदित्य और मैं अपनी तरफ से अपने सभी दर्शकों को ढेर सारी होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और आशा करूँगा कि आप सबकी होली मंगलमय रहे। नमस्कार। कलर मैं जस्ट अभी आया क्योंकि अभी यहाँ पर एक अमंडी में शूट चल रहा है हम लोगों का, तो उसके लिए थोड़ा बचना ज़रूरी था। मैंने कहा शूट को ख़त्म करें और फिर आके होली मनाएं सबके साथ। थैंक यू सर। चलिए शुक्रिया। आयाज जी, छोटू बाहर हो जाओ। इतना लेट होली के दिन? अरे नहीं, मैं लेट तो नहीं था, मैं सोचा कि जो है 5 बजे से इस कार्यक्रम का जो है शुभारंभ था, तो मैंने कहा कि जो है 5 बजे का मतलब भारत में जो है, जो 5 का मतलब 6, और चूंकि फिर शाम को ट्रैफिक भी हो जाती है, तो मैंने कहा कि चलो अभी जो है थोड़ा सा एक दो मीटिंग भी थी, तो मीटिंग मैं फ्री माइंड आया, ऐसा नहीं कि जो उधर से मालूम चला कि मैं यहाँ पे आके उधर से मीटिंग के लिए कॉल आ रहा है, तो मैं पूरा फ्री होके आया हूँ। लास्ट तक रंग खेलेंगे और कुछ करेंगे, नहीं रंग खेलेंगे, मस्ती करेंगे और थोड़ा थोड़ा जो है हम लोग जो है भांग भी पियेंगे। भांग जरूरी है, भांग है ना तेरी का। अभी आप जिसको इशारा कर रहे हैं उन्हीं को शामिल करते हैं आपके साथ में। आइए सर। सर आपके चेहरे पे इतना कलर आ रहा है भाई, एकदम खाली। एक्चुअली मैं भी थोड़ा देर पहले अभी आए हैं, लेकिन बाहर ही हैं, आप लोग छोड़ेंगे फिर ये हमारे महफिल में शामिल होंगे, फिर इनके भी चेहरे पे लाल गुलाल, पूरी चेहरे का है ना, चेहरे का रंगत बदल जाएगा। आपके चेहरे पे गाल पे लाल गुलाल है और सर का खाली, क्या आप दूसरों में बात लगाना चाहेंगे? अरे बिल्कुल लगाएंगे, लेकिन अभी अभी भी नहीं है ना, लेकिन उपाय है, उपाय है, उपाय है, देखिए लग गया। कल बेस्ट विलेन का आपको अवार्ड मिला है सर, कितना संतुष्ट है अपने काम से? देखिए क्या होता है, एक कलाकार कभी संतुष्ट नहीं होता, और मैं तो जो भी काम करता हूँ, और मुझे लगता है कि मेरी हर फिल्म मेरे लिए नया है, एक डर सा लगा रहता है, क्योंकि मुझे खुद से कंपटीशन होता है, मैं खुद से लड़ता हूँ कि मुझे ऐसा काम करूँ, ऐसा काम करूँ, कैसा काम करूँ, ये किया हूँ तो इससे भी बेहतर करूँ, तो मुझे अपनी जो है अपनी चीज़ों से एनालिसिस करता हूँ और अपने जो सीनियर्स एक्टर हैं उनसे भी सीखने की कोशिश करता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है आप सभी लोगों का प्यार आशीर्वाद दुआएँ हैं कि मुझे जो है बेस्ट विलन का अवार्ड मिला, और मैं यही चाहूँगा कि आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार आशीर्वाद देते रहें और भी ज़िंदगी में और तरक्की करूँ और नाम कमाऊँ। अयाज खान बचपन में कैसे होते? बचपन वालों में क्या कहते थे, पिचकारी था प्लास्टिक वाला, वो तो बड़े कम पैसे से तो मिलते नहीं थे, कैसे कैसे पैसे जुगाड़ के जो है प्लास्टिक में जो है, तो इतना तो कि कलर भी नहीं होता था, पानी भर के पानी भर के, और उस और जो था स्याही, पहले लोग स्याही मिलता था जो लिखने के लिए, तो क्या करते थे हम लोग स्याही में जो है बोतल में घोरे देते थे और उसी को फेंकते थे, और हाँ और दूसरा पहले जो पेन आता था नीब रहता था उसमें, तो उसमें भर देता था इसे सब पीछे से जा रहा, पता भी नहीं चलता था पीछे से रंग दिए, तो बचपन की चीज़ें तो कमाल की थी वो सब। आजकल का वो प्यार मालूम है, वो सब प्यार हमारे देश से गायब हो गया, जो वो प्यार, वो संस्कार, वो जो है मन में जो एक ना, वो चीज़ें नहीं रह गई हैं, अभी थोड़ा सा दिखावा ज़्यादा हो गया है, प्यार कम हो गया है, देश में नहीं हो रहा है, इंडस्ट्री में तो है ना, ये भी तो हमारे देश में ही है। आयत भाई, लेकिन इस बार कोरोना वायरस की तरफ से वो फैला है, तो देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि होली समर्पित के लिए ज्यादा भीड़ भाड़ इलाके में ना जाए, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस को, क्या सलाह चाहेंगे? अच्छा ही बताइए, मैं बोलूं? बोलिए सर। बोले हैं कि भीड़ मत जाइए, ये मुंबई है, यहाँ जो है सुबह जब 4 बजे ट्रेन खुलना शुरू होती है ना, तो 7 बजे जाते जाते मालूम है इतनी भीड़ होती है, 9, 10, 11 बजे शायद, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं फिर उस हो जाएगा कि जो है मैं किसी के खिलाफ बुलाऊँ, लेकिन ये आप लोग भी इसी शहर में रह रहे हैं, सत्यता ये है कि जब
आप लोकल ट्रेनों में या मुंबई की बसों में चले जाएंगे या रेलवे स्टेशनों पे आप चले जाएंगे तो वो धक्का मुक्की, वो घसड़न, हाथ क्या और जो है कलाई क्या, पूरी बॉडी एक दूसरे की टच होती है। अगर बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बहुत सफ़र किया, ऐसा नहीं है, मैं भी जब स्ट्रगल टाइम में जो है ट्रेनों का बहुत सफ़र किया, और अब कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि हम लोगों को कहीं जो है दूर शूटिंग करने जाना होता है और टाइम बहुत कम रहता है, ट्रैफिक से बचने के लिए हम लोग लोकल यूज़ करते हैं, तो मैं बता दूं कि लोकल में इतनी भीड़ कहां कहां हम भीड़ से बचेंगे, वो बड़ा मुश्किल है, कहना आसान है लेकिन सत्यता ये कि बचना मुश्किल है। ये सबसे पहले तो आप लोगों के चैनल के जरिए जो भी हमको देख रहे हैं, जो ऑडियंस मेरा भगवान है, सबको दिल से प्रणाम, और आप सबको, आप सभी श्रोतागण को हैप्पी होली। भैया कमरिया गाना भी धूम मचा रहा है, और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारा छोटा भाई जिसका नाम है रितेश पांडे जी, बहुत अच्छे हैं वो, और रितेश भाई, रितेश कहाँ है, रितेश भाई, रितेश भाई, भाई मेरा भाई चेयर लगवा रहा है, कोई बात नहीं, जो भी है मुझे पता चला पिछले साल भी मेरा भाई होली मिलन समारोह रखा था, ये दूसरा साल, और इस साल भी रखे हैं, और हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री का पूरा परिवार यहाँ पे आया है, सबको यहाँ मौजूद है, मेरा भाई होली मिलन समारोह मना रहा है मुंबई शहर में, और हम सब परिवार यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हम लोग खुशी मना रहे हैं, ये हम सब के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि मेरा छोटा भाई ये काम कर रहा है। आज दोनों भाई जिस तरह से होली खेल रहे हैं, कोई एक गाना आप दोनों अगर साथ में होली का गुनगुनाएं। हाँ, जो मेरा भाई गाएगा वही मैं गाऊंगा। कि महंगा लहंगा पहन के गोरी, काला चश्मा लगा के गोरी, भीगा के चोली गिराए बिजोरी, फागुन में रंग बरसा रही है, कमरिया हिला रही है, गुलाल उड़ा रही है, गवैया हिला रही है, बवाल मचा रही है, और बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इतने कम समय में सब लोग धूम मचा रहा है, सारा दुनिया कमर हिला रहा है, जो हो रहा है सो तो हो ही रहा है, लेकिन इतने कम दिन में मेरे छोटे भाई का एक गाना हेलो कौन इतना मिलियन क्रॉस किया, सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया, ये हम सबके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भोजपुरी को यहाँ तक लोग जाना, देख रहा है और सुन रहा है, मेरे भाई के लिए शुभकामना है। खबर है कि आप अभी हिंदी मूवीज में भी गाने देने वाले हो, हिंदी की ओर भी बढ़ रहे हो, क्या कहना चाहोगे? हिंदी इंडस्ट्री में आप लोगों के आशीर्वाद से एंट्री तो हो चुका है, कमरिया हिला रही है से, और लगातार इतना बम्पर एंट्री कि लगातार 3 दिन तक ट्रेंडिंग में एक नंबर पर आल गाना, एक रखाती भैया का थी, बहुत बहुत लव यू मेरा भाई, बस आप लोगों का दुआ, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार चाहिए, बाकी तो हम लोगों को मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। पवन जी, कोरोना को लेकर, कोरोना वायरस जिस तरह से फैला हुआ है अपने देश में, क्या लग रहा है कि होली, पूछना होली का ये पूछना, ऐसा भोजपुरी या हिंदी ऐसा भाषा की करा की जौना हिसाब से ले बू वही हिसाब से आई, करोना 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 बीमारी किसी को ना हो भैया, किसी दुश्मन को ना हो, सब कोई स्वस्थ रहे,
और इस बार होली में ऐसा हम लोग रंग उड़ाएंगे कि कोरोना उड़ जाएगा। उससे बचने के लिए आप भी कोई उपाय बताना चाहेंगे अपने कौनो चीज बचावला से ना बचे। इस बार जो होली में रंग उड़ेगा कोरोना उड़ जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। और भी एक बात कहा गया है, हम सब लोग कहते हैं एक बिहारी सौ पे भारी, तो हम पूर्वांचल के लोग, यूपी बिहार के लोग होली में ऐसा रंग उड़ाएंगे कि कोरोना हमारे हिंदुस्तान में कहीं दिखेगा नहीं। जी अयाज खान जी को बेस्ट विलेन का अवार्ड मिला है। हाँ? आपके बाजू में खड़े अयाज खान जी, इनको बेस्ट विलेन का अवार्ड मिला है। बधाई हो, बधाई हो, कांग्रेचुलेशन मेरा भाई। लव यू भाई, लव यू। आप तीनों एक साथ देशवासियों को क्या बधाई देंगे सर, क्या सुझाव? हम तीनों इस बार यही कहेंगे कि बचपन में जो हम लोग होली खेलते थे, कीचड़ फेंक दिया जाता था, जो कलर ऐसा लगा दिया जाता था कि छुड़ाने में बहुत परेशानी होती थी, तो इस बार हम सब से यही हम लोग निवेदन करेंगे कि अच्छा कलर लगाइए, सब कोई हंस के होली मनाइए, दिल से होली मनाइए। हम सब की तरफ से जय हिंद, लव यू ऑल। एक क्वेश्चन पवन जी, नौरीन के साथ काम करके आपको कैसा लगा है, उस फिल्म के बताओ, हिंदी सिनेमा की एक्ट्रेस हैं उनका, कमरिया हिला रही है लॉरेन जी के साथ। हाँ, ये बात मैं बता दूं कि जब पहली बार मेरे मेकअप रूम में वो आई, हाय हेलो, इसके बाद वाला जो अंग्रेजी सुनने को मिला ना, तो मैं सोचा कि अरे यार, मैं सब खोपड़े के ऊपर से जा रहा है, कैसे काम करूंगा। लेकिन वो बहुत अच्छी हैं, एक पैसा भी महसूस नहीं हुआ कि हमको अंग्रेजी नहीं आता है, वो अंग्रेज हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी हैं कि हम लोग कम्फर्ट होके काम किए और बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। पवन जी, आपने कुछ उनको भोजपुरी सिखाया है? भोजपुरी, हाँ, मैंने बोला है कि तुमसे एक ठो गाना भोजपुरी में भी करवाई बन। आगे काम करेंगे। हाँ बिल्कुल, किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।